ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। यहाँ प्रदेश सरकार के साथ हमने सभी शहरों में मकान निर्माण करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी पहले ही हमने दस्तखत किया है। तीन वेराइटीज है, एक ये स्लम इलाका में बेनिफिशियरी डेवलपमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर को एक नया घोषणा किया है, वो ये है स्लम इलाका में 6.5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, मगर बाकी लोग भी जिनके पास जमीन है, नहीं तो सरकारी जमीन में जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उनके लिए अप टू 12 लाख तक हम लोग उनके लिए 4% सब्सिडी देने वाले हैं मकान निर्माण के।